करा सकते हैं आपको यहाँ पूरा फोन पेमेंट एक बार नहीं देना है, ओके। वो पेमेंट देने पड़ते हैं, पेमेंट देने पे, लेकिन आपको यहाँ पे पहले नहीं। तो ये हमारा प्रोग्रेशन प्रोजेक्ट जो मैंने बहुत आपको दिखाया, अलग अलग टाइप का ऑर्डर था, फूड डोनेशन था, पेज पर एक्शन था, पेज पर एक्शन था, अलग अलग टाइप का प्रोजेक्ट था। बेसिकली ये फूड डोनेशन प्रोजेक्ट है। तो मैंने देखिए यहाँ पर कॉल ऐड कर चुका हूँ, ओके। और मैं यहाँ से रन कराता हूँ, एप्लीकेशन को मैं समझाता हूँ और कैसे ये वर्क करता है, मैं और भी बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये हमारा हेल्पिंग हैंड नाम से प्रोजेक्ट है। आप एप्लीकेशन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ये प्राइस में बिगिन है, ओके। तो चलिए इस एप्लीकेशन को रन कराते हैं और आपको स्टैटिक्स दिखाते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और क्या क्या अवेलेबल है। इसका ऑल टू ऑल आपको मिल जाएगा, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको क्लोज करता हूँ और फॉर्म्स को मैं फिर उससे ओपन करता हूँ, जो कि ओल्ड कैचे मेमोरी में स्टोर है, वो निकल जाएगा, ओके। सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन ओपन होगी, तो सबसे पहले जो जैसे जो एप्लीकेशन है, जैसे जोमेटो होता है, इस तरह का एक इमेज आएगा, जैसे कि हम लोग स्प्लैश स्क्रीन के नाम से जानते हैं। देखिएगा मैं एक को समझा रहा हूँ, ओके। और दोस्तों अगर आप लोग इसका और भी इसमें बहुत सारे फीचर्स ऐड हो सकती है, बहुत सारा है, जितना आप फीचर्स की कमी नहीं होती, आप जितना फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं उतना फीचर्स इसमें ऐड हो सकता है। तो हमारे जहाँ तक किसी पर्सन का ऑर्डर था, मैंने वहाँ तक इसको कंप्लीट किया है। अगर आपके पास कोई भी आइडिया है और आप अपने आइडिया के अकॉर्डिंग कोई प्रोजेक्ट डिजाइन करना चाहते हैं या इसमें कोई फीचर्स ऐड करवाना चाहते हैं, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए, इसका सोर्स कोड चाहिए, आपको यहाँ जितना भी प्रोजेक्ट मिलेगा कंप्लीट आपके सिस्टम में सेटअप करके दिया जाएगा, ओके। तो चलिए हम इसको स्टार्टिंग से आपको समझाने की कोशिश करते हैं और समझाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारा रन हो रहा है, यहाँ पर कंप्लीट रन में प्रोजेक्ट दिखाऊंगा, ओके। बाद में बहुत सारे लोग कहते हैं कि सोर्स कोड अवेलेबल है कि नहीं है, क्योंकि तो बहुत सारे सोर्स कोड होता ही इस बात में। तो दोस्तों अगर आपके पास ऐसा कोई सोर्स कोड है और रन नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ से रन करवा सकते हैं। आपको कॉस्टेड देखिए, एक डेवलपर चार्ज आपको कॉस्टेड पे करनी होगी, चाहे हमारे पास हो जाता कहीं पर, क्योंकि तो अगर हमारे डेवलपर जाते हैं सब पैसे के लिए। तो चलिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है, लॉन्च हो गया है मेरे फोन्स में, तो इंस्टॉल्ड हो रहा है। जैसे ही इंस्टॉल्ड होगा तो एक स्क्रीन आपके सामने शो हो जाएगी, ये देखिए फूड डोनेशन प्रोजेक्ट के नाम से, कोविड 19 फूड बैंक डोनेशन, ओके। उसके बाद हमारा ओपन होगा क्या, यूजर्स लॉगिन और एनजीओ लॉगिन। इसमें दो मॉड्यूल है, दो वर्क है इसमें। एनजीओ सबसे पहले, एनजीओ मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड करके रखा है, या नहीं अगर आप न्यू हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली आप उसे लॉग इन कर सकते हैं। तो चलिए मैं एनजीओ लॉग इन करता हूँ, मैंने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका हूँ, तो चलिए मैं लॉग इन कर रहा हूँ एनजीओ को, ठीक ना। ठीक, मैंने एनजीओ लॉग इन किया, ओके। चलिए मैंने एनजीओ लॉग इन कर दिया हूँ, और एनजीओ लॉग इन करने के बाद हमारे सामने जो डैशबोर्ड आएगी वो है क्या, कि डोनेट अपलोडेड फूड फीडबैक और प्रभाव, मतलब आप खुद डोनेट कर सकते हैं, मैंने जो डोनेट किया वो दिख सकता है, और फीडबैक जो कि यूजर्स देंगे वो आप देख सकते हैं, और अवार्ड्स भी आप अपने एप्लीकेशन के अबाउट देख सकते हैं। आप आपका कॉलेज प्रोजेक्ट है तो आप इसमें अबाउट को शो करा सकते हैं, अबाउट को के जैसे कि नेम, कॉलेज नेम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आप इसमें शो करा सकते हैं, ओके। तो चलिए सबसे पहले मैं डोनेट करके दिखाता हूँ, ओके। मैं फूड को राइस ले रहा हूँ, ओके। मैंने राइस लिया, और आप एक्स वाई जेड राइस के बारे में बहुत सारी जो भी फूड डोनेशन है वो आप लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, ओके। उसके बाद एड्रेसेस, आप पूरे एड्रेस डाल सकते हैं अपने एरिया का, अपने एरिया का पिन कोड डाल सकते हैं, ओके। अपने एरिया के बारे में बता सकते हैं कौन सा फूड है, बहुत सारे रॉ होते हैं, पाव होते हैं, कुक होते हैं, या रॉ है तो रॉ डालें, कुकिंग फूड है तो कुकिंग डालें, और इमेज को चूज कर रहे हैं, वो भी इमेज फूड का इमेज होता है वो आप इमेज का फिर अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये इमेज है, अब मैंने यही से सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। उसके बाद मैं अपलोड करता हूँ, अपलोड हो रहा है दोस्तों, आप देख सकते हैं। अपलोड होने के बाद
डायरेक्टली मुझे एक मैसेज शो होगा अपलोडेड, नीचे क्रोस्टेड में शो हो जाएगा अपलोडेड। तो मैं वेट कर रहा हूँ एक सेकंड फाइल भी डाटाबेस है इसमें। ओके अपलोड सक्सेसफुली, चलिए बाय करते हैं। अपलोडेड फूड को देख सकते हैं, मैंने दो अपलोड फूड अपलोड किया था, एक पहले ही अपलोड करके देखा था, एक राइस वाला भी मैंने अपलोड किया, उसके साथ डेट टाइमिंग और सेंडेड बाय, जैसे कि जो ईमेल मेरा है किसने सेंड किया वो भी आप देख सकते हैं। ओके और यहाँ से फीडबैक देख सकते हैं जो भी यूजर्स फीडबैक देगा। ओके तो ये रहा, और यहाँ से अबाउट देख सकते हैं। तो चलिए बैक कर सकते हैं और यूजर्स लॉगिन पे चलते हैं, और यहाँ भी मैंने ऑलरेडी रजिस्टर करके रखा है, अगर नहीं तो आप यहाँ से सबसे पहले रजिस्टर कर लें। ओके तो चलिए मैं इसको रजिस्टर करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 गलत डाल गया, अरे 7 3 लॉगिन किया मैंने। लॉगिन करते ही हमारे पास यूजर्स का शो हो जाएगा, होम पेजेस शो हो जाएगा। ओके तो मैंने क्लिक नहीं किया, चलिए लॉगिन पे क्लिक कर दिया और लॉगिन हो चुका है। अभी जो अभी एडमिन के थ्रू मतलब एनजीओ के थ्रू जो कोड आया था वो हमारे सामने देखिए शो हो रहा है, राइस डेट पिन कोड और एड्रेसेस के साथ। ओके जैसे ही हम ऐसे एक्सपेक्ट एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे पास आएगा थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माई टू। आप इसमें कोई भी दोस्तों आप चेंजेस करवा सकते हैं, ये हमारा ऑलरेडी यहाँ से खत्म हो चुका है, फायरबेस है तो थोड़ा सा लोड होने में टाइम लेता है, ये यहाँ से ये चीज़ें खत्म हो चुकी है। आप देखें तो हम देख सकते हैं क्योंकि वो चीज़ एक्सेप्ट हो चुकी है, जो फूड एक्सेप्ट हो गया वो यहाँ तक आना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो चीज़ हमने एक्सेप्ट कर दिया फिर आप दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करा सकते हो ना, तो एक्सेप्ट हो चुका है तो सुन नहीं होगी। अब दोस्तों अब मैं पॉइंट पे जो आते हैं तो यहाँ पे माई एक्सेप्ट जो मैंने एक्सेप्ट किया है ऑलरेडी, मैंने पहले भी एक्सेप्ट किया था एक, वो है यहाँ पे है राइस। ओके उसके बाद यहाँ पे हमारा फीडबैक का माई प्रोफाइल का ऑप्शन से जो जस्ट लॉग इन है उसको यहाँ पूरा डाटा दिख रहा है, यहाँ से आप कोई फीडबैक डाल सकते हैं जो कि देख सकता है। यहाँ पे आप अपना इमेजेस, अपना नेम और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ अपना ईमेल डाल सकते हैं। और मैं एक चीज़ बताने वाला था, मैं भूल गया क्या। तो ये हमारा दोस्तों प्रोजेक्ट है, यहाँ से आप लॉगआउट कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी आइडिया यहाँ एक सेक्शन और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे एडमिन, एडमिन का ऐड करेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा पड़ सकती है, क्योंकि ज़्यादा नहीं, हमारे यहाँ ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, 1500 की रेंज में आपको कॉस्ट लगता है। तो यहाँ पे एडमिन एक्सेस कर सकते हैं और एडमिन को ये चीज़ एक्सेस दे सकते हैं कि यूजर्स कितना यूजर्स लॉगिन है, कितना यूजर एनजीओ लॉगिन है, और भी दो चार जैसे कि कितना फूड एक्सेप्ट हुआ, कितना फूड अपलोडेड है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ओके ये और एक फीचर से हम बढ़ा सकते हैं, आपके पास कोई भी आइडियाज हो तो आप अपने आइडिया के अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और दोस्तों इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बना सकें, डिजाइन कर सकें और आप लोगों को दिखा सकें। थैंक यू।